अब हम एक आपको और नए मज़े की फिलिंग सिखा रहे हैं समोसे में डालने के लिए। देखिए एक पाव मैंने हरी प्याज दी, सफ़ेद हरा सारा पार्ट चॉपर के अंदर चॉपराइज कर लिया मोटा मोटा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। 2 टेबलस्पून ऑयल है, इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे चिकन पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा नमक, नमक अभी मैं डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालना है। इसके साथ ही ये मैंने 1 मुर्गी का सीना तकरीबन आधा किलो बॉईल करके श्रेड कर लिया, और ये है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम चीज़, ठीक है, चेदर चीज़ है। बस इन सब को मिक्स करेंगे, हरी प्याज ज़रा सी नरम होगी और मैं इसमें नमक डालती हूँ। चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक मौजूद है, कि मैं बहुत थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच के करीब नमक डालूंगी, क्योंकि समोसे में के मसाले में अगर नमक तेज़ हो जाए तो खाया नहीं जाता। बस जैसे ही ये चेदर चीज़ पिघलेगी, ये बैटर तैयार है फिलिंग के लिए। समोसे का आपको बता दूं, समोसे में मैंने 2 कप मैदे के अंदर 6 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1/2 टीस्पून नमक डाला है और उसको ज़रा सख्त सख्त भून लिया है। समोसा की रेसिपी मैं एक जगह और भी दे चुकी हूँ, मैं इसका आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर मैंने अजवाइन और ज़ीरा डाला था, उसके अंदर मैंने अजवाइन और ज़ीरा नहीं डाला है। ये देखें, ये चेदर चीज़ पिघल चुकी है, चेदर चीज़ नहीं इसको ग्रेट की है। अभी हमारी फिलिंग तैयार है, ठीक है, अब इसको हम समोसा में भरते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मटेरियल तैयार हो गया है, अब इस मटेरियल में से हम 1 टेबलस्पून लेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे। ये समोसा मेकर मेरे पास, आपके पास नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, आप जो है इसको कांटे से दबा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से दबाया, ये साफ़ किया और हमारा समोसा तैयार है। इसी तरह हम सारी ब्रेड को और सारी रोटी को पहले मैदे में करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है। 1 चम्मच हम इसमें ये बैटर डालेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से समोसा मेकर को दबा देंगे। और ये साफ कर दिया, इसको खोला, समोसा निकल के तैयार है। देखिए कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है। आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे तो बनेगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये समोसा कैसा बना। अभी मैं आपको इसकी फ्राइंग भी करके दिखाती हूँ। ये देखते हैं, ये देखें, ये तीसरा समोसा हमारा तैयार हो गया। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, अगर आप एक दो रोटी बेल के रख लें तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये फटाफट होता चला जाएगा। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेते हैं और फिर फ्राइंग पे आपसे मिलते हैं। देखिए अब ये चिकन चीज़ समोसे की फिलिंग मैंने आपको बताई थी, अब जिन लोगों के पास ये समोसा केस नहीं है, देखिए माशाल्लाह 12 समोसे 2 कप में बन चुके हैं और 4 और हैं, टोटल 16 बनेंगे। ये देखिए जिनके पास अगर थोड़ा सा आगे आगे, जिनके पास नहीं है वो पहले इस तरह करके इसको बंद कर लें, ठीक है ना। देखिए ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको इसी तरह भी बंद कर लें तभी ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगा। और मैं आपको कांटे के साथ भी बता देती हूँ कि कांटे के साथ कैसे करना है। ये चिकन चीज़ समोसे अब हम फ्राइंग के लिए डाल रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही 4-5 डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इसको फौरन से पलट देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कलर पकड़ ले। इससे पहले भी हमने फ्राइंग की हुई थी, आँच थोड़ी सी तेज़ थी समोसों के तलने के लिहाज से। ये मैंने इसके अंदर 6 समोसे डाले हैं। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, क्योंकि जब तक फ्राई हो रही है तो मैं आपको बता दूँ। देखिए फ्राइंग के लिए मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि आपने इसको हल्का हल्का हिलाते रहना है, क्योंकि ये वाले जो हैं वो कच्चे आटे के हैं, तो इसको हम थोड़ा सा
संभाल के हिलाएंगे कंपैरेटिवली मांडे के बने हुए, ठीक है ना। तो इसको ऐसा ऐसा पलटते भी रहेंगे, घी थोड़ा सा तेज़ है इसके लिहाज से। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें चिकन चीज़ समोसे में क्या किया। मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट बॉईल कर लिया था आधा किलो का, और एक पाव मैंने हरी प्याज को चॉप राइस कर लिया था। फिर नमक, काले मिर्च और चिकन पाउडर डाला मैंने उसके अंदर। एक चम्मच नमक डाला, एक चुटकी ना सॉरी नमक डाला, एक चम्मच काली मिर्च डाली और एक चम्मच चिकन पाउडर डाला। इसके साथ मैंने 200 ग्राम इसके अंदर चेदर चीज़ का डाला। चेदर चीज़ जब पिघल गई तो मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया, और इस जो समोसे की पट्टियाँ हैं इसके लिए मैंने 2 कप आटा, 6 चम्मच घी और 1/2 टीस्पून नमक, इसको